अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं कैम्ब्रिया टोकन के बारे में कि ये कैसा टोकन है। आजकल इसका बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है। इसको इसमें अगर कहा जाए तो इसको कैट टोकन के नाम से ज़्यादा वैल्यू मिली है। ठीक है, इसका जो सा वो वर्ड होता है ना जिसको छोटा करके बोला जाता है, कैम्ब्रिया मीन्स कैट। ठीक है, ये लिखा हुआ है और ये एक डिसेंट्रलाइजेशन प्लेटफॉर्म है और KI इंटरनेशनल, कैम्ब्रिया इंटरनेशनल एक ऐसी कंपनी है जो कि दुनिया में जितने भी एडवांस लेवल के रोबोट वगैरह बन रहे हैं ना, तो वो इस कंपनी से बन रहे हैं। ठीक है, तो जी ये उनका टोकन है, तो आप इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। 0.001379 पे ट्रेड कर रहा है और 24% हाई लेवल पे है। इसके बाद अगर हम इनकी मार्केट कैप देखें तो 3 मिलियन इनकी मार्केट कैप है। उसके बाद आप इनका वॉल्यूम चेक करें, 142% वॉल्यूम 24 आवर के लास्ट 44 आवर के अप हुई है। ठीक है, इसके बाद इनकी मैक्स सप्लाई आप देख सकते हैं, 5 बिलियन इनकी मैक्स सप्लाई है। इसके बाद आ जाते हैं हम इनके कैंडल चार्ट पे। कैंडल चार्ट पे आने के बाद आप ये देख सकते हैं कि इनकी जो सी कैंडल्स हैं बहुत ही एक अच्छे अंदाज के साथ ये ऊपर की तरफ और हाई लो दोनों ऊपर और नीचे, हाई और लो मींस के ठीक से बना रही है। और ये जैसे इनकी कैंडल्स शो करवा रही हैं, ये बहुत मींस के अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो मिनिमम आप $10 की इसमें इन्वेस्टमेंट करें। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि आप ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये एक मार्केट में नया कॉइन जो सा वो लॉन्च हुआ है। ठीक है, और इसकी हाइप बहुत ज़्यादा है, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और कुकॉइन में ट्रेंडिंग में जा रहा है। ठीक है, आप इसकी मार्केट रैंक चेक कर सकते हैं, 1067 मार्केट रैंक है। ठीक है, और नीचे आए तो नीचे ये कुकॉइन और बाइनेंस टैक्स पे यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, और इनकी लिक्विडिटी आप चेक कर सकते हैं, कुकॉइन पे 206 है और जो कि बाइनेंस टैक्स पे इसकी लिक्विडिटी 673 है, जो कि बहुत अच्छे लेवल पे जा रही है। ठीक है, तो ये एक नया कॉइन है, तो आप इसमें ज़रूर इसको वॉच करें और इसकी अच्छी प्रॉफिट आपको ये देगा इन फ्यूचर। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी वीडियो लगी होगी हमारी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।